हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी का आपके ब्यूटीफुल से चैनल बायो वाला में। आज से हम लोग क्लासिक्स का चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सबस्टांसेस पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में आपको ये पढ़ना है कि कोई दो सबस्टांसेस मिला हुआ है उसको हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। कोई भी चीज़ मिला हुआ है उसको आपको सेपरेट करना है। किस प्रोसेस से सेपरेट करोगे उसी के बारे में इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़नी है। आज का लेक्चर बेसिक लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं प्योर सबस्टांसेस क्या होता है, देन हम लोग बात करेंगे मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर को ही हम लोग इम्प्योर सबस्टांस भी बोलते हैं। फिर से हम लोग बात करेंगे कॉम्पोनेंट्स क्या होता है। मिक्सचर कॉम्पोनेंट्स से बना होता है। फिर हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर के कितने टाइप्स होते हैं। अब ये जो सेपरेशन का तरीका होता है बहुत सारा तरीका होता है। जैसे एक कॉमन सा प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं विनोइंग। जैसे एक बर्तन में गेहूं या चावल को ले लिया जाता है जिसमें हस्क मिला होता है, मीन्स भूसा मिला होता है या स्ट्रॉ का छोटा छोटा पीस सब मिला होता है। उसे हम लोग ऐसे ऐसे हिलाकर उसको अलग कर देते हैं हवा की हेल्प से। इसके बारे में मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊँगा। और भी बहुत सारा प्रोसेस है, ठीक है। जैसे आपको नमक और पानी को अलग करना है, नमक चीनी को अलग करना है, कैसे अलग करोगे। जैसे कहीं पर भोज हुआ, ठीक है, भोज में मिठाई का रस बच गया और आपको एक टास्क दिया गया कि मिठाई के रस से पानी को अलग करो और चीनी को अलग करो, कैसे करोगे। तो इसका आंसर आपको इस चैप्टर के अंदर में मिलेगा, ठीक है। तो चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का लेक्चर बेसिक है, इसमें हम लोग क्या चीज़ पर बात करेंगे, प्योर सबस्टांस पर, क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है, इस सब के डेफिनेशन के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग अपना कॉपी निकालेंगे और हेडिंग लगाएंगे प्योर सबस्टांसेस क्या होता है। पहले चैप्टर का नाम एक बार लिख लीजिए, सेपरेशन ऑफ सबस्टांसेस। कोई भी दो सबस्टांस मिला हुआ है उसको हम लोग कैसे अलग करेंगे उसके बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में बहुत सारे आपको टर्म पढ़ना है आज के लेक्चर में मेनली, जिसमें सबसे पहला टर्म है वो टर्म है प्योर सबस्टांस क्या होता है। प्योर सबस्टांस क्या होता है, इसका डेफिनेशन है ए सबस्टांस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल नोन एज प्योर सबस्टांसेस। कोई भी सबस्टांस जो एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बना होता है उसको हम बोलते हैं प्योर सबस्टांस। पहले डेफिनेशन लिखिए फिर समझते हैं। अ सबस्टांस व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल नोन एज प्योर सबस्टांस। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखिए। जैसे एक ग्लास में आप वाटर ले लिए, ठीक है, ये ग्लास है, ठीक है, इसमें आप वाटर डाल दिए। फिर आप पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिए, ए सबस्टांस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। तो ये जो ग्लास है इसमें सारा जो पार्टिकल्स होगा सब एक ही जैसा होगा, सब एक ही प्रकार का पार्टिकल होगा, ठीक है, सब वाटर का ही पार्टिकल होगा। ऐसा नहीं कि इसमें दूसरा पार्टिकल है। अगर इसमें दूसरा पार्टिकल आप ऐड कर दिए, जैसे सॉल्ट ऐड कर दिए, देन ये मिक्सचर बन जाएगा। इसमें अगर आप कुछ नहीं डाले हैं देन वाटर क्या है, प्योर सबस्टांसेस। इस सबस्टांस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल क्या है, वाटर है। एक ही तरीके के इसमें पार्टिकल है, H2O का पार्टिकल है,
वाटर को हम लोग H2O बोलते हैं। H2O का पार्टिकल है वन काइंड ऑफ पार्टिकल, इसी को हम लोग प्योर सबस्टांस से जानते हैं। जैसे मान लीजिए टीन का पार्टिकल है, और भी बहुत सारा पार्टिकल हो सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल है प्योर सबस्टांस का। और सबस्टांस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल नोन एज प्योर सबस्टांसेस। आ गया समझ में? अब ये जो प्योर सबस्टांस है, इसमें आप ध्यान से देखिए, तो इसका जो पार्टिकल है सब यूनिफॉर्म है। पार्टिकल क्या है, एक जैसा सब है, यूनिफॉर्म है, सब अच्छे तरीके से अरेंज है। तो प्योर सबस्टांस का जो पार्टिकल्स होता है वो यूनिफॉर्मली अरेंज होता है, यूनिफॉर्मली अरेंज होता है। द पार्टिकल्स ऑफ प्योर सबस्टांसेस आर यूनिफॉर्मली अरेंज, ठीक है। अब इम्प्योर सबस्टांस क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इम्प्योर सबस्टांस, हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर जो भी चीज बना उसे हम लोग प्योर बोलते हैं। देन इम्प्योर क्या है, इसमें आप कुछ और ऐड कर दो, जैसे पानी है, इसमें नमक डाल दिए इम्प्योर बन गया, चीनी डाल दिए इम्प्योर बन गया, मतलब आप इसमें कुछ मिक्स कर दिए, मतलब वो मिक्सचर बन गया। तो मिक्सचर क्या है, इम्प्योर सबस्टांसेस। इम्प्योर सबस्टांस क्या होता है, मिक्सचर, कोई भी चीज़ इसमें मिक्स कर दीजिएगा देन वो इम्प्योर बन जाएगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए वीडियो पॉज करके। कर लिया इतना नोट डाउन? प्योर सबस्टांस क्या होता है, द सबस्टांस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। इम्प्योर क्या है, जब वो मिक्सचर बन जाएगा देन उसे हम लोग इम्प्योर सबस्टांस बोलेंगे, ठीक है। रब कर दी इतना। अब आप मिक्सचर का डेफिनेशन लिखेंगे। मिक्सचर क्या होता है, द सबस्टांस विच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन पार्टिकल्स, जिसको हम लोग ये भी कह सकते हैं द सबस्टांस विच इज मेड अप ऑफ टू या मोर देन टू पार्टिकल्स। मिक्सचर का डेफिनेशन लिखिए। मिक्सचर का डेफिनेशन, मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर इज मेड अप ऑफ टू या मोर सबस्टांसेस मिक्स टूगेदर इन एनी रेशियो। मिक्सचर इज मेड अप ऑफ टू या मोर सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर, ठीक है। मिक्सचर क्या होता है, जब आप दो सब्सटेंस को मिक्स कर दोगे देन उसे हम मिक्सचर बोलते हैं या इम्प्योर सबस्टांस बोलते हैं। जैसे पानी में आप चीनी डाल दिए देन वो मिक्सचर बन गया। दो सबस्टांस आप, जैसे मान लीजिए ये ग्लास है, ग्लास में वाटर डाला हुआ है, वाटर में क्या किया आपने, वाटर में चीनी डाल दिया, थोड़ा सा चीनी डाल दिया देन ये क्या बन गया, उसको मिक्स कर दीजिए देन वो मिक्सचर बन जाएगा। इतना तो सबको समझ में आता है। अब पढ़िए डेफिनेशन, ए मिक्सचर इज मेड अप ऑफ टू या मोर देन टू सबस्टांसेस। अब मान लीजिए इसमें हम लोग चीनी डाल दिए, नमक भी थोड़ा सा डाल दिए, देन क्या हो गया, दो सबस्टांस हो गया या दो से ज़्यादा सबस्टांस हो गया, मिक्स हो गया साथ में और उसको मिक्स कर दीजिए, ठीक है। यही है मिक्सचर का डेफिनेशन। अब मिक्सचर इज मेड अप ऑफ टू या मोर सबस्टांसेस मिक्स टूगेदर, किसी भी रेशियो में हो सकता है, इन एनी रेशियो, वेरी इंपॉर्टेंट, इन एनी रेशियो किसी भी रेशियो में हो सकता है। इसमें चीनी आप ज़्यादा डाल दोगे फिर भी मिक्सचर है, नमक ज़्यादा डाल दोगे फिर भी मिक्सचर है, या चीनी नमक दोनों डाल दोगे फिर भी मिक्सचर है, वाटर ज़्यादा डाल दोगे फिर भी मिक्सचर है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इतना समझने में, ठीक है। ये जो मिक्सचर होता है इसको हम लोग फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। डेफिनेशन पढ़ लिए थे, मिक्सचर को हम लोग प्रोसेस सेपरेट करते हैं। मिक्सचर हम लोग
फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस से। मतलब फिजिकल प्रोसेस क्या हो गया, जैसे हैंड पिकिंग, विनोइंग, ये सब करके कर सकते हैं। क्या क्या होता है फिजिकल प्रोसेस, इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। तो मिक्सचर को हम लोग फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। फिजिकल प्रोसेस मतलब ऐसा प्रोसेस जो हम लोग डेली लाइफ में करते हैं कोई चीज़ को अलग करने के लिए, मिक्सचर को, ठीक है। आ गया समझ में। अब एक छोटा सा टर्म और है जिसको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स। जो भी चीज़ मिक्सचर में प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स। जैसे जैसे इस मिक्सचर में क्या क्या प्रेजेंट है, ये रेड वाले को हम लोगों ने क्या बोला था, शुगर। ग्रीन वाले को सॉल्ट बोला था। तो मिक्सचर में क्या क्या प्रेजेंट है, सॉल्ट प्रेजेंट है, शुगर प्रेजेंट है और वाटर प्रेजेंट है। ये तो ये तीनों जो है ये है कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। आ गया समझ में सभी को। तो कंपोनेंट्स का भी डेफिनेशन लिख लीजिए, पहले एक बार देख लीजिए, देख लिए कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या होता है, द सबस्टांस विच मेक्स अ मिक्सचर नोन एज कंपोनेंट्स। द सबस्टांस विच मेक्स अ मिक्सचर नोन एज कंपोनेंट्स। नमक, चीनी और पानी क्या है, कंपोनेंट्स है। द सबस्टांसेस विच मेक्स अ मिक्सचर नोन एज कंपोनेंट्स। कोई दिक्कत नहीं। कंपोनेंट्स को हम लोग कंस्टिट्यूएंट भी बोलते हैं। कंपोनेंट्स को हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स। द सबस्टांस विच मेक्स अ मिक्सचर नोन एज कंपोनेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। इसको नोट कीजिए अच्छे से, कर लिए, रब कर दूं। कर लिए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं, मिक्सचर मेनली टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं मिक्सचर, टू टाइप्स के। फर्स्ट इज होमोजीनस मिक्सचर एंड सेकेंड वन इज हेटेरोजीनस मिक्सचर। हेडिंग लगाइए टाइप्स ऑफ मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के दो टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप होमोजीनस मिक्सचर और सेकेंड टाइप क्या है, हेटेरोजीनस मिक्सचर। हेटेरो जीनस मिक्सचर, ये जी है, दिख रहा है सभी को, होमोजीनस मिक्सचर। ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोनेंट यूनिफॉर्मली अरेंज हो उसे हम बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर, और ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली अरेंज नहीं होता है उसे हम लोग बोलते हैं हेटेरोजीनस मिक्सचर। समझ में नहीं आया, जैसे पहले एग्जांपल देखिए होमोजीनस मिक्सचर का। जैसे आप पानी में नमक डाल दिए, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर। पानी में आप नमक डाल दिए या पानी में आप चीनी डाल दीजिए, ये दोनों जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है होमोजीनस मिक्सचर का। ये जो होमोजीनस मिक्सचर होता है इसका पार्टिकल यूनिफॉर्मली अरेंज होता है, मतलब समझिए। जैसे मान लीजिए एक
ग्लास है, ठीक है। इस ग्लास में पानी डाला हुआ है और इस ग्लास में हम लोग थोड़ा सा चीनी डाल दिए या नमक डाल दिए, मान लीजिए चीनी डाल दिए, और इसको मिक्स कर दीजिए अच्छे से, अच्छे से इस चीनी को मिक्स कर दीजिए। देन क्या हो जाएगा, पूरा में चीनी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एकदम अच्छे से यूनिफॉर्मली। मतलब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर चीनी, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ का जो वाटर है ये वाले वाटर में चीनी का टेस्ट नहीं आएगा। हर जगह चीनी का टेस्ट वाटर में सेम होगा, यूनिफॉर्म होगा। इसी कारण से हम इसे बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर। जैसे आप पानी में नमक मिलाकर डिजॉल्व कर दो तो ऐसा कभी नहीं होगा कि ऊपर वाला पानी बहुत ज़्यादा मीठा हो गया, मतलब सॉरी ज़्यादा नमकीन हो गया और नीचे वाला पानी कम नमकीन है। चीनी डाल दोगे तो ऐसा कभी नहीं होगा कि ऊपर वाला पानी थोड़ा ज़्यादा मीठा है, नीचे वाला थोड़ा कम है। पूरा जगह पर मिठास उसका फैल जाएगा या सॉल्टी नेचर फैल जाएगा, तो उसी को हम बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर में आपको क्या दिखा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, ठीक है। होमोजीनस मिक्सचर का जो कंपोनेंट्स होता है उसको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। पानी में अगर आप चीनी मिला दोगे देन ऐसा नहीं कभी आप ऐसा कभी नहीं होगा कि चीनी अलग दिखने लगेगा और पानी अलग, उसको आप देख नहीं सकते हो मिक्स कर देने के बाद, ठीक है। जबकि हेटेरोजीनस मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है। हेटेरोजीनस मिक्सचर के आप कंपोनेंट्स को देख सकते हो। इसका एग्जांपल पहले ले लीजिए, एग्जांपल पानी है सॉल्ट प्लस सैंड, पानी में आप बालू डालकर मिक्स कर दीजिए, ये वाटर है, इसमें आपको क्या करना है सैंड डाल देना है, सैंड पार्टिकल डाल दिए, मिक्स कर दीजिए, फिर भी कुछ नहीं होगा। सैंड पार्टिकल नीचे जाकर पूरा सैंड पार्टिकल बैठ जाएगा और ऊपर में थोड़ा बहुत सैंड पार्टिकल्स रहेगा। तो यहाँ पर देखिए तो यूनिफॉर्मली अरेंज है, हर जगह सेम तरीके से अरेंज है, नहीं, नॉन यूनिफॉर्मली अरेंज है। क्या चीज़ में, हेटेरोजीनस मिक्सचर में। ये क्या है, सॉल्ट है और ब्लैक वाला क्या है, वाटर है। ये सबको समझ में आता है, ये क्या है सॉल्ट है या सॉरी सैंड है ये, ठीक है। और ये है सॉल्ट है या चीनी है, सॉल्ट या शुगर है। और ये जो ब्लू वाला है, ब्लू वाला क्या है सॉल्ट और शुगर, और जो ब्लैक वाला है वो क्या है, ब्लैक वाला वाटर है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आ रहा है समझ में सभी को। इसका प्रॉपर्टी बताइए, पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली अरेंज नहीं है, ठीक है। इसको पहले नोट कीजिए एग्जांपल को। ये कौन सा मिक्सचर है, होमोजीनस मिक्सचर, वो क्या है हेटेरोजीनस मिक्सचर। सैंड इन वाटर, या हम लोग सिंपली से ये भी बोल सकते हैं मडी वाटर, कीचड़ वाला पानी, उसको भी मिक्स कीजिएगा तो ऐसा ही होगा, मडी वाटर, ठीक है। कर लिया इतना नोट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं होमोजीनस मिक्सचर के बारे में। होमोजीनस मिक्सचर का सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। आ गया समझ में, इसका मतलब क्या है, हर जगह सेम तरीके से अरेंज रहेगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, हर जगह सेम तरीके से उसका पार्टिकल्स अरेंज रहेगा। इसके कंपोनेंट्स को हम लोग आसानी से नहीं देख सकते हैं, कंपोनेंट्स कैन नॉट
बी सीन इजिली। कंपोनेंट्स कैन नॉट बी इजिली सीन, ठीक है, आ गया समझ में। उसके कंपोनेंट्स को हम लोग नहीं देख सकते हैं आसानी से अपनी आंखों से। इसका एग्जांपल क्या है अब बोलिए। ये तो मैं आपको बता ही चुका था क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसका आंसर देना है। सॉल्ट सॉल्यूशन प्योर है या इम्प्योर है ये बताइए, बताइए क्या आंसर है। शुगर सॉल्यूशन प्योर है या इम्प्योर है, ये इम्प्योर है। इम्प्योर क्यों है, क्योंकि इसमें हम लोग दो चीज़ मिक्स कर चुके हैं, देन ये इम्प्योर हो गया। पानी है तो पानी क्या है, प्योर है। अगर नमक एक जगह पर रखा हुआ है तो वो भी प्योर है, ऐसा समझिए। लेकिन उसमें हम लोग क्या किए, दो को मिक्स कर दिए, इम्प्योर बन गया, मतलब मिक्सचर बन गया, ऐसा आप कह सकते हैं। आ गया समझ में। अब हम लोग बात करने वाले हैं हेटेरोजीनस मिक्सचर क्या होता है। ये फर्स्ट नंबर है, हेटेरोजीनस मिक्सचर क्या होता है उसके बारे में। हेटेरोजीनस मिक्सचर, हेटेरोजीनस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता था, डजंट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। हर जगह पर सेम टाइप का कंपोजिशन नहीं रहेगा, क्या चीज में, हेटेरोजीनस मिक्सचर में। डजंट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, जैसे ये ग्लास है, इसमें क्या डाला हुआ है, बालू। तो यहाँ का जैसे देखिए, नीचे में बालू क्या हो गया, सेटल हो गया। तो यहाँ का जो कंपोजिशन है सेम है, नीचे का कंपोजिशन सेम है, ध्यान से समझिए, नीचे का कंपोजिशन सेम है लेकिन ऊपर में वाटर है। वाटर ऊपर वाला कंपोजिशन और नीचे वाला कंपोजिशन सेम नहीं है, ऊपर वाले कंपोजिशन और नीचे वाले कंपोजिशन में डिफरेंस है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि नीचे वाला कंपोजिशन सेम हो या ऊपर वाला कंपोजिशन ही सेम हो, इसीलिए मैं ये लिखा डजंट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। पूरा में यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं हो सकता है, मतलब कुछ जगह पर हो भी सकता है, कैन हो सकता है, कैन हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, कोई दिक्कत नहीं। और इसको हम लोग आसानी से डिफ्रेंशिएट करते हैं, बालू को आप देखिएगा, बालू और पानी को, तो बालू अलग दिखेगा और पानी अलग दिखेगा। डिफ्रेंशिएट इजिली, लेकिन होमोजीनस मिक्सचर को हम लोग इजिली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। लिख लीजिए, कैन नॉट बी इजिली डिफ्रेंशिएट। आसानी से हम लोग होमोजीनस मिक्सचर को अलग नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी इजिली डिफ्रेंशिएट, मतलब उसे हम आसानी से देख नहीं सकते हैं। इसको भी हम अलग करना आपको सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, आ गया समझ में। इसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं, डिफ्रेंशिएट इजिली मतलब हम लोग उसे देख सकते हैं आँख से, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, सैंड इन वाटर, मडी वाटर या मड इन वाटर ETC एक्सेट्रा, ठीक है। इसको नोट कीजिए अच्छे से, कर लिए तो यहीं पर लेक्चर होता है समाप्त। और अगले क्लास में हम लोग सेपरेट करने के कुछ तरीका के ऊपर बात करेंगे। तो बाय बाय।